दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए शाहबाद के नजदीकी गांव मसाना में NH1 पर स्थित शिव गोरख ढाबा पर CIA1 टीम ने चूरा पोस्त, डोडा पोस्त, गाजापति, सुल्फा भारी मात्रा में पकड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के करीब बताई जा रही है। जानकारी मुताबिक मौके पर जिला कुरुक्षेत्र के SP राजेश दुगल पहुंचकर CIA की टीम से बातचीत की। बताया जा रहा है ढाबे के मालिक रोशन लाल सैनी पर पहले भी कुछ इसी तरह के मामलों में संलिप्त होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी CIA 1 जो है, हमारे जसपाल इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने, उनकी टीम ने ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर रेड की है। तो आप देख रहे हैं कि भी बहुत भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। ये जो ढाबा आप देख रहे हैं आगे, ये रोशन लाल सैनी है और गांव दंतोड़ी के रहने वाले हैं, और इनके दो साथी ये फिरोज खान और संदीप, जो इसके दोनों नौकर हैं, और ये मिलकर सारा ये हमारा नारकोटिक्स का ही काम करते थे, NDPS का, जिसमें 10 क्विंटल 34 किलोग्राम चूरा पोस्ट डोडा रिकवर हुआ है और 34 किलोग्राम हमारा गांजा जो बोलते हैं वो रिकवर हुआ है। तो ये बहुत भारी मात्रा में रिकवरी हुई है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ 21 साल की सबसे हैवी रिकवरी यही है, और हमारी CIA ने बड़ा काबिले तारीफ काम किया है। काफ़ी दिन से इसकी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास और काफ़ी टाइम से इसको हम देख रहे थे। हमारी CIA की टीम इसके ऊपर लगी हुई थी काम पे, जो आज हमारी CIA की टीम ने बहुत भारी रिकवरी की है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा, ये रोशन लाल जो है, पहले भी NDPS के 3 केसेज इसके ऊपर दर्ज हैं, जो अभी जून में जो फिरोज खान इसका नौकर है उससे भी रिकवरी हुई थी, और अभी ये बेल पे है। और इसके रोशन लाल जो है, इसके ऊपर पहले भी 3 मुकदमे अलग से, एक हार्ट केस का है और ये हार्ड कोर NDPS का सप्लायर है, जो अब हम इसका पुलिस रिमांड लेके इसका सारा इससे पूछताछ करेंगे, भी इसका सोर्स पता करेंगे, कहाँ से इसके पास ये नारकोटिक्स आया था और आगे इसने कहाँ का सेल किया है और पहले कहाँ करता था। तो जो माल बरामद किया गया कितना करीब कितने का होगा? देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली इसका 1 करोड़ की कीमत आराम से है, और मार्केट वैल्यू इसकी जो 1 करोड़ से आसपास है। तो इतनी बड़ी मात्रा में लेके कैसे आए यहाँ पर? वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम इससे पता करेंगे कहाँ से लेके आया है और आगे किस किस को सप्लाई करता था, ये हम इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करेंगे। इसका पुलिस कस्टडी लेंगे, अभी कल इसको कोर्ट में पेश करके और इसका पुलिस कस्टडी लेंगे। तो जो आगे सप्लाई होती थी वो यहाँ से होती थी? आगे ही आगे किसको सप्लाई करता था, तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो आपको इसका फॉलोअप देंगे हम बाद में, कल इसका पुलिस कस्टडी लेंगे 10 दिन का, ठीक, और इससे पीछे सोर्स का पता लगेंगे कहाँ से इसको सप्लाई मिली है या लेके आया है और आगे किस किस को ये सप्लाई करता है। तो मैं अपनी CIA टीम, जो हमारे जसपाल इंस्पेक्टर हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इन्होंने इस नारकोटिक्स को रिकवर किया है और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। जो मैं DCP साहब से और अपने IG रेंज हमारे श्री भाई पूर्ण कुमार जी से इनको एक अप्रिसिएशन दिलवाऊंगा और जो इनको एप्रोप्रिएट रिवार्ड जो मैं अपनी तरफ से इनको दूंगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।